आप इनके टीशर्ट देखिए गाइस, आगे भोले और पीछे योगी है। भाई साहब कह रहे हैं हम दो ही जनों के भक्त हैं, एक भोले के एक योगी के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों इस वक्त मैं हरिद्वार हर की पौड़ी पे मौजूद हूं और आज से जो है सावन का महीना शुरू हो चुका है, साथ ही साथ विधिवत रूप से कांवड़ भी आज से प्रारंभ हो जाएगी। वैसे तो कांवड़ जो निश्चित अवधि होती है, निश्चित तिथि, निर्धारित तिथि होती है, उसके आगे से लेकर उसके बाद तक चलती रहती है, लेकिन जो प्रॉपर जो इसका टाइम होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो आज से ही शुरू हो जाएंगे कांवड़। तो इस वक्त मैं हरिद्वार की पौड़ी पर मौजूद हूँ इस सावन के कांवड़ के पहले दिन, और मेरे इस बगल पे एक बहुत ही खूबसूरत भव्य कांवड़ है जिसको मेरा मन करा मैं आपको दिखाऊं, बहुत ही शानदार कांवड़ है। चलिए देखते हैं आप दोस्तों, मेरे पास अभी इतनी सुंदर और इतनी प्यार ये कांवड़ सजाई गई है, और साथ ही साथ इसमें ऊपर एक तिरंगा भी लगाया गया है, तिरंगा झंडा भी है। और हमारे साथ जिन लोगों की ये कांवड़ है वो लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। और पहले आप एक बार इस कांवड़ को देखिए, कितनी प्यारी ये बनाई गई है। और ये देखिए आप इस कांवड़ के बीच में देखिए, कहीं भी आपको गैप नहीं मिलेगा, पूरा एक नेट, एक बहुत ही प्यारे नेट से, बहुत ही प्यारे डिजाइनिंग नेट से इसे कवर किया गया है, और साथ ही साथ इसमें एक तिरंगा भी लगा हुआ है। तो भाई साहब क्या नाम हुआ सर आपका? भाई मेरा नाम आकाश है। आकाश, आकाश जी कहाँ से हैं आप? हमारी पाँच टीम है, वो हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं? हाँ। पाँच टीम है। हाँ। एक टीम में कितने जन हो? एक टीम है हमारी, एक ही टीम, पांच ही हम। अच्छा, एक टीम है, पांच लोगों की टीम पांच है। लोग। तो ये जो कावड़ है ये सब पांच लोगों की मिलके है मतलब? हाँ जी मिलके है ये। इस कावड़ का नाम क्या है? ये जो हमारी विशाल कावड़ है। विशाल कावड़ है, इसका नाम ही विशाल कावड़ है। और ये आप लोगों ने खुद बनाई है या कहीं से खरीद के लाई है? बनवाई है भाई, बनवाई है, मतलब अपने हिसाब से बनवाई है कि हाँ इसमें ये सामान लगना सब चीज़ें। अक्सर मैं देखता हूँ जो कावड़, जैसे ये सब कावड़े हैं मेरे पास में, तो इनमें बीच बीच में गैप रहता है, लेकिन आपने ये पूरा जो है ना पैक कर रखा भाई साहब, देखिए कहीं भी मतलब अंदर कुछ भी मतलब पूरा पैक है एक तरह से, इसके पीछे कोई विशेष कारण? भाई ये हमें यही चीज़ ऐसी, यही चीज़ हमें अच्छी लगती है, तो हमने इसलिए अपने मन से यही बनवाई है। और बाकी इसका वजन कितना होगा भाई साहब? लगभग भाई इसका वजन 7 से 8 होगा अभी, 8 किलो। हाँ बिना जल के, बिना जल के। हाँ और जल कितना जाएगा इसमें? इसमें 20 लीटर जल जाएगा। 20 लीटर जल जाएगा, और जल कहाँ कहाँ लगेगा इसमें बताएंगे आप हमें? अच्छा इसके अंदर लगेगा, और फिर आप जो ये डंडे हैं इनके सारे उसको अटकाएंगे, 20 लीटर जल। ये हमने अंदर से खाली इसलिए करी कि इसमें 20 लीटर जल अंदर हम रख सकें। 20 लीटर जल। हाँ जी, और ये सजाने के लिए मूर्ति वगैरह लेके आए, इस पर लगाएंगे। ये पूरी सजी नहीं है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ यहाँ पे है, और अभी भी इसका सजाने का काम चल रहा है, साथ ही साथ ही देखिए यहाँ पे कुछ फोटोज भी है, और अभी ये और सजाई जाएगी। ये जो 20 लीटर जल होगा भाई साहब, कितने लोग इसको एक साथ ले जाएंगे? जी हम चार बंदे हैं। मतलब एक रेस्ट करेगा, जब कोई थक जाएगा वो उसके बदले आ जाएगा, वो उसके बदले आएगा। तो कब आप यहाँ से जल उठाएंगे? आज शाम को 5 बजे। 5 बजे। हाँ। कोई विशेष कारण 5 बजे या कोई मुहूर्त वगैरह है या? नहीं सर। और फिर आप अपने घर इच्छा तक कब तक जाएंगे आप? जब तक बोलेगी इच्छा हो। कब पहुँच जाएंगे? 25 को अपने घर के इधर। मतलब 11 दिन लगेंगे? हाँ लगभग। तो ये पहली कावड़ आप सभी? हाँ विशाल पहली कावड़ है हमारी। कल से लेके आते थे। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत होती है ले जाने में? नहीं बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती, बोले की मर्जी रहती है बस। कम था पहले। और इसकी पूरी मतलब इसकी लागत क्या है भाई साहब? कम से कम 20,000 रुपये। ये कावड़ 20,000 रुपये की कावड़ है, सजावट लगा के 20,000। जब आपने लिया था बनवा के तो फिर कितने की ली? 15 की ली थी। 15 की ली थी, और 5,000 रुपये का इसमें भी सामान लगेगा। हाँ ये झंडा लगेगा या इसे लेके जाओगे? ये लेके जाएंगे हाथ पे। वो एक छोटा देखेगा गाइज, ये एक छोटा सा तिरंगा ऊपर कावड़ के ऊपर लगा हुआ है, ये बड़ा तिरंगा जो पांचवा बंदा होगा उसके हाथ में रहेगा। अच्छा आप लोग हमें ये बताइए कि आपको व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया हम दो ही चीज़ के भगत हैं, एक भोले बाबा और दूसरा हमारा योगी। अरे गाइज ये देखिए इनकी टीशर्ट देखिए, और ये सब सबकी एक जैसी है। अच्छा ये आप थोड़ा घूम जाइए, ये आप इनकी टीशर्ट देखिए गाइज, आगे भोले और पीछे योगी है। भाई साहब कह रहे हैं हम दो ही जनों के भक्त हैं, एक भोले के एक योगी के। अच्छा जैसे आप लोग कितने सालों से कांवड़ लाते हो भाई साहब? हमें 4 हो गए, 10-12 साल हो गए, तो मतलब योगी राज से पहले से। तो आप लोग यूपी से होते हुए आएंगे जब दिल्ली जाएंगे, तो योगी के राज में, योगी के राज से पहले कांवड़ के लिए क्या विशेष परिवर्तन आपने देखे भाई? हम जितनी बार भी आए सब हमें सुविधा बढ़िया मिली है, सुविधा मिली है। योगी के टाइम पे कुछ अलग मिला आपको इस बार? हाँ इस बार बहुत अलग मिला। जैसे कहते हैं, जैसे जो रहते हैं मोंडन लोग, वो काफ़ी रुकावट डालते हैं कांवड़ों के बीच में। मोमना रुकावट डालते थे? हाँ रुकावट डालते हैं, अब जब हम आए हैं तो बिल्कुल कोई नहीं रुकावट है। भाई योगी के राज मस्त मज़ा आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बात करने के लिए। मैं दीपक सिंह, कैमरामैन JP के साथ, धन्यवाद।